दोस्तों इस साल ITC के शेयरों का प्रदर्शन हुल शेयर के मुकाबले अच्छा रहा है। 2022 में अब तक ITC का शेयर 20% चढ़ चुका है। इस दौरान हुल का शेयर 8% फिसला है। BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1.5% की मजबूती आई है। दोस्तों BSE पर FMCG इंडेक्स 1% चढ़ा है। आइए जानते हैं हुल के शेयरों के कमज़ोर प्रदर्शन की क्या वजह है। दोस्तों एनालिस्ट वालों का कहना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में कमज़ोरी की मुख्य वजह रूरल मार्केट में स्लो डाउन हो सकता है। इसके चलते सेल्स वॉल्यूम भी घटा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की तीसरी तिमाही से ऐसा देखने को मिला है। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट बढ़ने से भी पिछली दो तिमाहियों में मुनाफा कमाने की कंपनी की क्षमता पर असर पड़ा है। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म शेयर खान ने बताया है कि कंज्यूमर्स लो प्राइस यूनिट्स खरीदना पसंद कर रहे हैं। वे गैर जरूरी खर्च घटा रहे हैं। इसकी वजह बढ़ती महंगाई और रूरल मार्केट में स्लो डाउन है। शेयर खान ने चौथी तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल्स वॉल्यूम में गिरावट की उम्मीद जताई है। हालांकि कंपनी ने अपने करीब सभी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। इससे चौथी तिमाही में उसके रेवेन्यू में थोड़ी ग्रोथ दिख सकती है। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव ने पहले संकेत दिए थे कि क्रूड ऑयल और पाम ऑयल जैसी इनपुट कॉस्ट बढ़ने से चौथी तिमाही में कंपनी के ग्रॉस मार्जिन पर दबाव बढ़ जाएगा। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की कीमतें 2-13% तक बढ़ाई है। इससे चौथी तिमाही में इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के असर से निपटने में मदद मिलेगी। दोस्तों यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कमोडिटी की कीमतों में उछाल है। शेर खान ने कहा है कि इससे अगले फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी। उसने इन फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में मार्जिन में तेज गिरावट की आशंका जताई है। अगर कमोडिटी की कीमतों में नरमी आती है तो दूसरी छमाही में हालात में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दोस्तों एनालिस्ट का कहना है कि ITC पर रूरल इलाकों में स्लो डाउन का कम असर पड़ा है। इसकी वजह यह है कि इसके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर फूड्स आइटम हैं। कंपनी का कोर बिजनेस इन्फ्लेशन के रिस्क से पूरी तरह सुरक्षित है। सिगरेट मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ फिर से बेहतर होने से ITC फाइनेंशियल 2022-2023 में अपने प्रॉफिट से चौंका सकती है। दोस्तों ITC देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनियों में से एक है। इसके बिजनेस में सिगरेट, होटल्स, पेपर और एग्री कमोडिटीज तक शामिल है। इसके ब्रांडेड फूड डिवीजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। स्टेपल्स, कन्फेक्शनरी, नूडल्स, स्नैक्स और बिस्कुट इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एडलवाइज वेल्थ रिसर्च ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 से 2023-2024 के दौरान इसके सिगरेट के वॉल्यूम की CAGR 5% रहेगी। दोस्तों एडलवाइज ने ITC के शेयर के लिए ₹450 का टारगेट प्राइस दिया है। यह शेयर के करंट मार्केट प्राइस से करीब 80% ज्यादा है। गुरुवार को ITC का शेयर 1.1% की तेजी के साथ ₹256.70 पर बंद हुआ और हुल का शेयर 1.3% चढ़कर ₹2170 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी ITC और हुल से रिलेटेड न्यूज़ जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको इस न्यूज़ से कुछ भी समझ में आया हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।